मेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। मैं भी बढ़िया हूँ। और आज की गुड मॉर्निंग मेरी हो रही जंगल से, और मैं जंगल जा रही हूँ अभी खाना पीना खा को की। और मेरे पापा भी चले गए और अब मैं जंगल जा रही हूँ मैं, क्योंकि ना कल्लू ला रखा था, कल्लू बांट बूट के आ गई और अब जंगल जा रही हूँ मैं। तो दिखाती हूँ मैं आपको अपने जंगल का नज़ारा और जंगल का व्यूज पूरा दिखाऊँगी मैं आपको। मेरी वीडियो को ज़रूर देखना, कहीं जा रहे हैं ना जंगल, तो दिखाऊँगी मैं आपको कि हम कौन कौन जा रहे हैं। और एक मेरी जेठानी जी है और एक सासू जी होती है रिश्ते में, और तो हम जा रहे हैं जंगल। तो देखते हैं आज कहाँ तक पहुँचते हैं हम जंगल। मैं पत्तियों के लिए जा रही हूँ, तो वो लकड़ी लेने के लिए जा रही है ना, शादी की लकड़ी लेने के लिए। तो दिखाते हैं हम आपको अच्छे से जंगल का नज़ारा, प्यारा सा जंगल का नज़ारा। जंगल, ये है सासू जी और ये है जेठानी जी, हम तीनों जा रहे हैं जंगल। तो दिखा रहे हैं हम आपको कैसी मिलती है हमको लकड़ियाँ। रास्ता है हमारे यहाँ जंगल आने जाने का, ही देखो बेकार रास्ता है ना, ये डर भी लगता है। यहाँ देखो ऐसे होके जाते हैं हम, ओए मैं गिर गई थी। ये देखो कैसे रास्ता है, ये देखो इस पत्थर से होकर कैसे जाना पड़ता है। कैमरे में लग रहा होगा पर जाने में बहुत मुश्किल है। ये देखो कैसे रास्ता है, यहाँ से दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो ऐसे होके जाते हम, क्या करें, तो पहाड़ों की ज़िंदगी है, ऐसे कटेंगे दिन हमारे। ये देखो पर पहाड़ी लोग बहुत मजबूत रहते हैं, हार हार हिम। आधे रास्ते पहुंच गए हम, और मैंने ला रखा है मिठाई ला रखी, और एक संतरा भी ला रखा मैंने, नारंगी बोलते जिसको, और इसको खाएंगे हम। हमको थोड़ा थकान लग गई ना, थोड़ा यहाँ पे बैठेंगे, थोड़ा भगवान जी को रखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पुत्र देव की भूमि है ना। एक बात बताऊँ मैं आपको, जैसे हमारे गाँव में जैसे कोई मरता है ना तो जंगलों में लाते हैं, और हम ना उसी जंगल से होके गुजरते हैं, तो जंगलों में फिर भी हमें डरने लगता है। तो अब भी संतरा खाएंगे। पितरों की देव की भूमि है, आप भी याद हो संतरा खाने के लिए। ये है सासू जी, ये मैं तोड़ रही थी ना यहाँ पे, तो मैंने कहा अरे भगवान देवताओं को जंगल है। यहाँ देखो बांस भी है, अभी खिले हुए हैं, उस टाइम पे दिखाया मैंने आपको ज़्यादा खिले थे, आजकल तो सारे सिकुड़ गए, चिमड़ आ गया इन पे। ये देखो हम यहीं पे बैठेंगे अपने ये लकड़ी को जाएंगे, और मैं पत्ती इकट्ठा करूँगी। ओके बाय बोलो, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। कैसे घने जंगल में जा रखे हैं, और ये नीचे जा रखे लकड़ी के लिए, और मैं ऊपर पे हूँ पत्तियाँ इकट्ठे कर रही हूँ मैं। और अब इनको तो लकड़ियाँ खूब मिल गई, थोड़ा मैं भी लाई वहाँ से लकड़ी। यहाँ ये पत्थर ना आज धूप से मतलब हो गए, वो ज़्यादा सूख चुके हैं, और पत्ते बहुत कड़कड़े हो चुके हैं, बोल नोट कड़कड़े नोट हो चुके हैं, कड़कड़े हो चुके हैं यार, क्या करूँ मैं, लगे हैं ये। यहाँ देखो कैसे घना जंगल है, यहाँ देखो, और सुलटी में डाल दिया मैंने, और थोड़ा मैंने यहाँ पे घास खोर काट रखा है ये, और कुछ लकड़ियाँ हैं यहाँ पे, अब मैं इसमें रखूँगी सुलटी में। और है ना ये इस पर काने रहते हैं यार, किसे चुपते हैं यार ये, किस किस के यहाँ होते हैं ये खोर, कमेंट करके बताना मेरे को, ठीक है, जिस जिसके यहाँ होते होंगे ये खोर। पहले बैठे थे हम वहीं पर आ गए हैं, और ये है मेरी जेठानी, और ये है सासू जी। ये देखो हम यहाँ पे आके जहाँ पे हम आगे बैठ गए थे ना, तो सासू की होगी सिटी पिटी गोल। देखो हमने यहाँ से होके जाना है, यहाँ से कैसे नहीं लग रहा, तो कैसे जाएंगे यहाँ से, अभी तो आगे तो खाली आ रही था, अभी तो हमारे पास बोझा भी है, पर कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे भाई साहब, आप इधर ना, और ये यहाँ से होके आ रहे हैं, देखो कैसी चट्टान, कैसा चट्टान वाला रास्ता है ना, तो क्या करें।
ये देखो कैसे रास्ते से जाके होना पड़ रहा हमें ना। पहाड़ों की ज़िंदगी बहुत टफ है ना, फिर भी पहाड़ी लोग हार कहाँ मानते हैं, जाते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं। यहाँ देखो कितना टफ का रास्ता है। मैं तो आ गई, अभी लोग आ रहे हैं। नहीं होने नहीं होने मिलो ने नहीं होने तक नहीं दौड़ दिया दे है कि हाँ। ये देखो तेरी ना आराम से हाँ। ये देखो दगड़े हो रे ना बाटो चाहिए आखर ये मुश्किल से ओन पड़ना हम कई बटे हो। आराम से आ हैं जो ना पड़े आराम से। ओह माय गॉड ये देखो खदगड़े हो यो रीना ये बी ना लिए जुनी बाहर हम आ बदन नहीं आए तांबे बाबा ये थट्टा पो सोची आमू गो कि यो दम निकली छे। अगर बाहर छूटन जाए हम छोटे ये कौन यो ये कौन ना उन पर ऐसे ये कौन ना उन्हें ये रीना रीना ली रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रीनो हमें हेल्प करनी। आराम से आराम से और रीना क्या होगा फ्रेंड, आपने हमारे यहाँ जंगल का रास्ता कितना टफ है, बहुत मुश्किल से आना पड़ता ना, बहुत मजबूरी है, क्या करना। घर में है तो घर गृहस्थी तो करनी पड़ेगी ना, काम भी करना पड़ेगा। मैं जंगल से थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ और ये मेरी बेटी। फाइनली मैंने भात बना दिया है और मैंने बना रखी है दाल, दाल भी बना दिया मैंने, भात और दाल। चित्रे कितना बुखार आ गया, कल रात ना मेरा बेटा बहुत रोया ना, इसको बुखार आ रहा था कल रात को। तो हेलो गाइस, आप सभी को कैसे खेल रहे हैं, इन्हें देख के अपने बचपन की याद आती है। ये बचपन दोबारा नहीं आता है। ये देखो कैसे खेल रहे हैं सारे बच्चे। क्यों हंस रहे, क्यों हंस रहे तुम? सारे खिलौने बाद थैले में डालना, ठीक है? मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।